हाँ जी गाइस, तो पॉलिनेटर की हम बात कर रहे थे कि पॉलिनेटर कैसे होता है। जैसे ये वाला प्लांट आपके पास दिख रहा होगा, स्पर का प्लांट है, ओल्ड प्लांट है, लेकिन पॉलिनेशन आपने कैसे करना है मैं क्लियर उसके बारे में ही आपको बताऊंगा। आप ये देख लो पहले, हमने बाहर की ब्रांच में क्या कर दिया, आगे पॉलिनेटर ग्राफ्ट किया हुआ है, यह है गाला वराइटी। अब आपने एक प्लांट से आप दूसरे प्लांट को कैसे ग्राफ्ट करोगे, आप ये देख सकते हो गाला कहाँ चला गया दूसरे प्लांट में। अब हमने इस प्लांट से, ठीक है, हमने इस प्लांट में ऊपर टॉप ग्राफ्ट किया, ये जो ग्राफ्टिंग आप देख रहे हो ये हमने ग्राफ्ट किया लास्ट ईयर जैन में, जैन के फर्स्ट वीक में करनी है, कम से कम 10 to 15 में। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे करनी है। तो ये हमने ग्राफ्ट किया और ये देखिए चली गई वहाँ पे। अब इससे क्या हो जाएगा, बीच के जो भी प्लांट्स है आर पार के, ये भी पॉलिनेट हो रहे हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है आपके पास, बेस्ट तरीका जो है, ठीक है। फिर दूसरे देखो क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के अकॉर्डिंग आपने पॉलिनेटर ग्राफ्ट करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ भी अभी ये भी ग्रैनी स्मिथ की आप देख रहे होंगे ग्राफ्ट से बाहर को, ताकि जो भी मक्खियाँ जब आपकी आएगी ना, जो भी आपकी आप लगाते हो बीज, तो वो डायरेक्टली जाके नीचे से टच करते हुए पॉलिनेट करे, ये इसलिए हमने नीचे को लगाई है। तो आपने क्या करना है, सराउंडिंग प्लांट्स के सराउंडिंग मतलब चारों तरफ आपने डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेटर आपने ग्राफ्ट करना है, ठीक है। और मैं आपको जो पॉलिनेटर मैं आपको बता रहा हूँ जैन वाले, वो आपने कैसे करना है, जैसे आपको यहाँ देख लो, ये हमने इस साल अभी जैन में ग्राफ्ट किया हुआ है पॉलिनेटर, समर क्वीन हुई, ठीक है। ये बीमे वाली आपने ग्राफ्ट करनी है, याद रखना है। इसका जब फ़ायदा किया, अगर बस पॉलिनेटर नहीं है तो अभी आपके जो अपकमिंग मार्च, ठीक है, मार्च में क्या हो जाएगा, इसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे और ये पॉलिनेट कर लेगा मार्च में, ठीक है। प्लस पॉइंट इसका यही है कि अर्ली पॉलिनेशन आपको इस एक साल आपका इसमें बच जाएगा, ठीक है। और इस तरह की आपने क्या करना है, चारों तरफ आप देख सकते हो उसमें बीच बीच में पॉलिनेटर होंगे बाहर की ब्रांचेज में, ये देखिए ये भी इस बार ग्राफ्ट हुआ है। मतलब चारों तरफ आपके डिफरेंट टाइप के जो है 4-5 पॉलिनेटर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लांट, ठीक है। अब ये जितना प्लांट है इसमें मैंने 5-1 पॉलिनेटर इसमें हमारे लगे हुए हैं, ठीक है। कुछ एक इसमें ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। और इस तरह से क्या करना है आपने, ये जो पॉलिनेटर है ये है आपका, जिसको क्या बोलते हो, गोल्डन, चाइनीज़ गोल्डन, ठीक है। अब कह कहते हैं कि प्लांट को खा जाता है, ये जो पॉलिनेटर है ये 3 ईयर्स ओल्ड पॉलिनेटर है। अब इसको हमने क्या कर दिया था, लॉक, इसमें खाली बीमा है क्योंकि हमने फूल बनाना है, गमला टाइप बनाना है इसका। तो इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, गमला टाइप बना के इसको यहीं पे लॉक करके पॉलिनेशन के काम में हमने लिया है। तो सारे पॉलिनेटर आपके इस तरह ही ग्राफ्ट होने हैं। और अभी भी आप कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया ना कि आप ये वाले पॉलिनेटर जो है आप ग्राफ्ट कर लो, अगर आप अभी फैब में भी, आजकल भी अगर अभी आप लेट नहीं हो, क्योंकि सेब चढ़ना है 12 फेब के बाद, जब ज़्यादा सेब एकदम से अपटेक होता है तो 12 फेब के बाद ही होता है, तो ताकि उस वक्त एकदम से जो होता है वो सेब उसमें जाए, ठीक है, और आगे मार्च में वो एकदम से ब्रस्ट हो जाए। तो इसलिए आप अभी कर सकते हो, फेब में आपने क्या कर लेना है, उसको ग्राफ्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए ये भी चाइनीज़ गोल्डन है, इसका भी गमला टाइम यही बना दिया हमने, क्योंकि छोटी सी ब्रांच थी वहीं पे बाहर को ग्राफ्ट कर दिया। और ये देखिए ये प्रॉपर लॉक सिस्टम है, कोई प्लांट नहीं खाता भैया, ये भी 3 या 4 साल ओल्ड होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये हमने शायद 17 या 18 में ग्राफ्ट किए थे। तो ये देखिए ये यहीं पर इसका सराउंडिंग एरिया, ये सारा एरिया इसका है, और यहीं पर ये क्या हो चुका है, लॉक हो चुका है, अब यहाँ से बाहर कहीं ये जाना नहीं है, समझिए। तो इसका रिजल्ट यही है कि अगर आपको पॉलिनेटर की बहुत कमी है, ठीक है, क्योंकि बिना पॉलिनेटर के सर्वाइव नहीं हो पाते हैं। और बाहर की ब्रांचेज में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ग्रैनी स्मिथ की आपको दिख रही होगी, दिस वन इज़ द ग्रैनी स्मिथ ग्राफ्ट, ये भी हमने वैसे ही किए जैन में, ग्राफ्ट ही रही है सारे। इसके रिजल्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि बोलने के लिए तो मैं कुछ भी बोल लूँगा, बट मैं तभी कह रहा कि मैं पहले रिजल्ट्स, जिसके रिजल्ट से मैं वही चीज़ दिखाऊँगा जो हमने आउटपुट निकाली है, तो वही मैं दिखाऊँगा। आप इसमें देखना, यहाँ ग्रैनी स्मिथ है, ठीक है, ये लास्ट ईयर जैन की ग्राफ्ट है, और ये रिजल्ट्स मतलब सेम ईयर इसमें फ्लावरिंग आ गई थी, सेम ईयर ही इसकी सेटिंग इसने कर ली थी, और इस पर तो नेक्स्ट ईयर है डेफिनेटली। और यहाँ देखिए, यहाँ हमने गाला लगाया है, दिस वन इज़ द रेडलम गाला, ठीक है। और इनको भी क्या है, आपने प्रून मत करना, ठीक है, तभी भागता है, तभी आपका पौधा कहते ना कि खाते देता पॉलिनेटर पौधा, ऐसे कहीं नहीं खाता, वो खिलाने पे आप खिलाओगे तो खाएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनकी प्रूनिंग कभी मत करना, ठीक है। हाँ, जो ये तो है टॉप की, या ना ग्राफ्टेड दो तरह की होती है, एक होती है टॉप ग्राफ्टेड, एक होती है ब्रांच ग्राफ्टेड, एक होती है लोअर पार्ट में ग्राफ्टेड। जैसे आप यहाँ देखोगे, यहाँ ग्रैनी स्मिथ हमने ग्राफ्ट किया था, ठीक है, तो एक होती है लोअर पार्ट। और दूसरा क्या होता है कि जो नीचे की ग्राफ्टेड होती है उसको आप गमला टाइप लॉक कर सकते हो, ठीक है, कहीं भी आप छोटी सी ग्राफ्ट कर सकते। जैसे ये देखो, ये भी हमने क्या किया, यहाँ देख लेना आपने, यहाँ भी ग्राफ्ट है ये, ठीक है,
ये भी ग्राफ्ट है, ये खाली बीमा रखा हमने यहाँ पे ताकि यहीं पे इसका गुच्छा बन जाए। तो एक तो ये ग्राफ्टिंग होगी, नीचे गमला बना दो, और टॉप की ग्राफ्टिंग यही है कि ताकि ऊपर का सराउंडिंग जितना बचता है एरिया उसको ये ग्राफ्ट कर लेंगे। ये देखिए ये भी ग्रैनी स्मिथ की ग्राफ्टिंग है, और ये भी हमने लास्ट ईयर वैसे ही ग्राफ्ट की थी। ठीक है, कम से कम 12 to 15 आई बट की आपने क्या लेनी है, ग्राफ्ट लेनी है, और उसको आपने क्या करना है, ग्राफ्ट करना है। और ये देखिए यहाँ भी आपका ग्रैनी स्मिथ ग्राफ्ट हुआ है, और वहाँ भी आपका ग्रैनी स्मिथ ग्राफ्ट हुआ है, और याद रखना, और उधर समर क्वीन है ये वाली। और एक बात आपने याद रखना है कि ये तो होगी डिफरेंट वैरायटी, लेकिन जब आप गाला को ग्राफ्ट करोगे, ठीक है, जब भी आपने गाला ग्राफ्ट करना है, मैं आपको गाला की दिखाता हूँ, दिस वन इज़ द गाला। ठीक है, ये है गेल गाला की। अब इसको हमने लॉक किया, इसकी देखिए ये भी यहीं पे क्लिक हो गया, स्टॉप हो गया। ठीक है, और गाला भी कहीं नहीं भागता है, वो भगाने पे कितना भगाओगे। और याद रखना है, जब भी आप गाला की ग्राफ्ट करोगे तो कम से कम 40% गाला आपके पास होना चाहिए, 40%, तभी वो पॉलिनेट करेगा। क्योंकि गाला जो होता है पहले खुद को पॉलिनाइज करेगा, फिर अदर वैरायटी को पॉलिनाइज करेगा। तो ग्राफ्टिंग का तो ये सिंपल सा शेड्यूल है, ठीक है, जो आपको समझ आ ही गया होगा कि किस तरह से हमने टॉप में भी करनी है, नीचे भी करनी है। ठीक है, नीचे क्या होगा, नीचे का एरिया कवर होगा, टॉप से टॉप का एरिया कवर होगा। और अभी भी आप 12 फेब से पहले पहले आप ग्राफ्ट कर लीजिए, मैं तो यही बोलूँगा, सॉरी 12 फेब तो क्या बोलना, 20 से पहले कर लो। ठीक है, अगर आपके पास लैक ऑफ पॉलिनेटर है तो इस तरह से आप बाहर को लंबी लंबी आँखों वाले पॉलिनेटर को क्या कर लो, ग्राफ्ट कर लो। ठीक है, ताकि वो सेम ईयर आपका साल बच जाएगा, और मार्च के लिए आपको ताकि वो फूल दे दे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि पॉलिनेटर बहुत ज़रूरी है। विदाउट पॉलिनेटर जो होता है वो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। पॉलिनेटर होंगे तभी फल लगता है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि जितने ज़्यादा हो सके पॉलिनेटर करो, क्योंकि जितना पॉलिनेटर होगा उतनी ज़्यादा आपकी जो होती है वो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, आपकी क्रॉप अच्छी होगी। तो वो डिपेंड करता है आपके पॉलिनेटर कितने लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखना, ये लास्ट ईयर की ग्राफ्ट की थी ना हमने, ये देखिए इसके ऊपर हमने लॉक कर, कोई कट नहीं मारा, छोड़ देना इसको। ठीक है, जब ऐसी दिक्कत कभी आ भी जाए तो आप इसको क्या कर सकते हो, ऊपर से टॉप की इधर आ जाएगी, और अगर आपने नीचे भी कहीं लॉक आपसे नहीं हुई है, गुच्छा टाइप नहीं बना है, तो उसको भी क्या करना है, आपने अंदर को ले आना है, कहीं भी आप अंदर घुमा के ले सकते हो। ठीक है, उसको बेंड कर दो, कुछ कर दो, ठीक है, ताकि वो प्लांट ना खाए आपका, कोई प्लांट नहीं खाएगा। ठीक है, तो मैं आपको पॉलिनेटर दिखा ही रहा हूँ, ये भी लास्ट ईयर का है हमारा, गाला का ग्राफ्ट है यहाँ पे। ठीक है, और ये देखिए ग्राफ्ट आपको, मतलब एक प्लांट में 5 या 6 ग्राफ्ट अकॉर्डिंग टू प्लांट, क्योंकि मेरे पास वैसे भी प्लांट है जिसमें मेरे पास 10-10 ग्राफ्ट भी लगी होगी। और जहाँ तक हो सके, अगर तो आपके पास इस तरह के बीच में अगर आपने पेड़ बनाए हैं पॉलिनेटर के, तो वो तो और भी बेस्ट है। उससे क्या हो जाएगा, सराउंडिंग के जितने भी एरिया हो गए सारे इजीली कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये समर क्वीन है यहाँ पे, ये भी ये तो हमारा शायद 2 या 3 साल का होगा, अभी 2-3 साल से यहीं पर आराम से पॉलिनेट कर रहा है। देखिए बिल्कुल सराउंडिंग यहीं पे पॉलिनेट कर रहा है, कहीं नहीं भागा ये। क्यों नहीं भागा, क्योंकि हमने कोई इसकी प्रून नहीं की, और जहाँ पर जरा छूट गया उसको हमने लॉक कर पे डाल दिया। ठीक है, लॉक करने से ये फ़ायदा होता है। बाकी बाहर को तो जितनी ब्रांच आप करोगे, जैसे ये यहाँ देखा आपने, ये तो नीचे गुच्छा टाइप हमने यहाँ बना दिया इसके लिए। ठीक है, अब जो ऊपर की पॉलिनेशन है वो कैसे करनी है, जैसे जैसे ये ग्रैनी स्मिथ है, ये देखिए लास्ट ईयर किया था, अब कहाँ से कहाँ चला गया, अब वहीं है। ठीक है, जब क्या हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, तब हमने इसको इधर को बैंड करके ताकि ये इधर को भी पॉलिनेशन कर ले। ये आप देख सकते हो, ये लास्ट ईयर की ग्राफ्टिड है, ये गाला वैरायटी है, ये आप इसको देख सकते हो। तो सबसे बेस्ट तरीका है, अब यहाँ देख लीजिए गाला, ठीक है, ये आपका गेल गाला US है। ये देखिए इसमें भी हमने यहाँ, सॉरी दिस वन इज़ नॉट ए गाला, ठीक है, ये है शायद समर क्वीन, और इसको हमने यहाँ से किया था लॉक, लास्ट ईयर लॉक किया हुआ है, देख लेना आपने। और इस बार आप देख लो इसमें, ये यहीं का यहीं है, कहीं नहीं भाग रहा है, खाली स्टॉप, ये गुच्छा आपका यहाँ के लिए बनाया हुआ है। तो हर जगह हमने वैसे ही किया हुआ है, ठीक है, जो जहाँ है उसको वहाँ पे लॉक कर दिया है। और कम से कम इतना ग्रैनी स्मिथ 4-5 ग्राफ्ट आपके पर प्लांट तो होनी ही चाहिए, नीचे ऊपर हर जगह आपके ग्राफ्टेड होनी चाहिए। तो ये था पॉलिनेटर के बारे में, बाकी तो पॉलिनेशन ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अभी जिसके पास पॉलिनेटर नहीं है वो अभी भी कर सकता है, और एक साल आपकी बच सकती है। क्योंकि देखो मैं तो पहले रिजल्ट आपको मैं दिखा चुका हूँ कि जो मैंने लास्ट ईयर ग्राफ्ट किए थे
ठीक है, उनके रिजल्ट आप यहाँ देख लो, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आपने 10 या 15 आँखों वाली, हमने ये 10 15 आँखों वाली ग्राफ की यहाँ पे, ग्रैनी स्मिथ, सॉरी ये गाला वॉल है, और गाला वैरायटी में याद रखना है कम से कम 30% 40% आपके ऑर्चर में गाला आपके पॉलिनेटर होने चाहिए, तभी वो काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और अब ये देख लीजिए लास्ट की ग्राफ्ट है, ठीक है, गाला की ग्राफ्ट ही रहेगी, ये है गाला वो गाला वॉल है, ठीक है, और गाला वॉल की ग्राफ्टीड है ये देखिए, बस इसको अभी यहीं पर बने देना है, तभी कह रहा हूँ 10 से 15 आँख वाले करोगे, लास्ट ईयर भी इसने पॉलिनेट किया, इस बार भी पॉलिनेट करेगा, ये रिजल्ट्स है, मैं सीधे रिजल्ट बताऊँगा आपको। थैंक यू। तो यही था मेरा आज का पॉलिनेटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना था, जिसके पास लैक ऑफ पॉलिनेटर है, क्योंकि मेरा सीधा है कि मैं क्लियरली बता देता हूँ, ठीक है, जो भी है क्लियर बताओ, ताकि लोग कन्फ्यूज ना हो, कि लोग अब अगला फिर वेट ना करें, पर जो है वो करो करो भाई करो। थैंक यू भाई।